अनुरुद्धाचार्य, आपने इन बाबा जी का कोई फनी मीम या फिर कोई रोस्ट वीडियो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इन बाबा जी की जिस वीडियो क्लिप को दिखाकर ये लोग बाबा जी को ट्रोल करते हैं, असल में वो वीडियो क्लिप काट पीट कर तैयार की जाती है। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि बाबा जी के जो मीम वायरल हो रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है, आखिर उस वीडियो में गुरु जी ने क्या बोला था। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। अरे शीतल जी, कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो अब मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि आखिर बाबा जी ने इस लड़के के बारे में क्या बोला था और इन लोगों ने क्या बना दिया। तो एक बार आप इस वीडियो को देखो। अति ने वो जुआ खेलते मोबाइल में और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार साल पे। किससे बात करती है? लड़के से। कौन लड़के से? अभी स्कूल का, स्कूल में। कितने साल की लड़की आपकी? लड़की थी 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठे बात कराओ। गुरु जी पूरा मालूम चल रहा है सबको की बात करती है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। दसवीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही है। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त है, पहले करती थी अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ, पहले था अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है? हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है, आप जानती हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार? सुनती? हाँ। हो सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। भैया तो कह रही है भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता, आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है, वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम। इनके अलावा एक और वीडियो है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की, किट मीन्स बिस्किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट। इसमें आखिर बाबा जी ने क्या बोला था वो भी देख लो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट, बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की, किट मींस बिस्किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर के क्या है? शक्कर भी नुकसानदायक और मैदा भी नुकसानदायक। दोस्तों अनुरुद्धाचार्य लगातार 4-5 घंटे कथा सुनाते हैं तो इनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है यार, इट्स ओके। बाबा जी की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ कर उन्हें ट्रोल करने वालों को पूछना कि बाबा जी कई अच्छे काम भी करते हैं, जैसे वे वंचित लड़कियां जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन लड़कियों की शादी करवाते हैं, ये गौशाला चलाते हैं जिनमें सैकड़ों गायों की देखभाल की जाती है, इनके अलावा बाबा जी एक नर्सिंग होम भी चलाते हैं जहाँ पर वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, इनके अलावा बाबा जी एक भोजनालय भी चलाते हैं जहाँ पर हर रोज दोनों टाइम हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, और जो पैसे बाबा जी कथा सुनाकर और अपने सोशल मीडिया से कमाते हैं वो सभी पैसे बाबा जी इन चीजों में लगा देते हैं कि जो भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उन पर आंख मीच कर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए।